हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसीसी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट, यूपी पीएससी और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूछे गए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। आज के ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होंगे। आप चाहें तो ये वीडियो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना फाइनल स्कोर आप बना सकते हैं, आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपके यूपी स्टेट, अगर आप फॉर्म भरते हैं इस स्टेट का, तो आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस कोट को, इस कोटेशंस को प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इस पर थोड़ा सा चिंतन करिए। क्वेश्चन नंबर वन, पुरापाषाण कालीन स्थल बेलर नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त होता है? हमसे इसने ये पूछा है कि बेलर नदी घाटी का साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए, ये किस स्थल के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है हमसे बेलर नदी घाटी के बारे में कि इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमको ये पता लगाना है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन होंगे आपके एग्जाम में, हमारे एग्जाम में, तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें से जो राइट आंसर है, 10 सेकेंड का आप समय लीजिए और अपना राइट आंसर इसमें से चूज करिए। उसके बाद आप फाइनल मेरे आंसर से अपने आंसर को टैली करना और जो भी आपका स्कोर बनता है मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। फाइनल स्कोर, एक एक क्वेश्चंस का स्कोर नहीं कि एक क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर डी, ऐसे मत भेजना। आपका फाइनल स्कोर कितने बैठा, कितने में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे, ठीक है। यूपी में जो भी एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं ये सभी क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू हमसे कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बात कर रहा है हमसे धान की खेती के साक्ष्य या फिर प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, उस स्थान का नाम बताओ। यूपी की बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं आज यूपी की, तो यूपी बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा यहाँ पर, जो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास अगेन चार ऑप्शंस हैं। थोड़ा पॉज करिए इस वीडियो को और अपना फाइनल आंसर आप एक रफ शीट में लिखिए। सेकंड का आंसर 1, 2, 3, 4 में से क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर थ्री, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, हमसे किसका पूछ रहा है पता है, वो हमसे बोल रहा है हमसे सराय नाहर राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर फोर, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? लोहे की खोज, देखिए जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना क्वेश्चंस में, आप डायरेक्ट अपने अगर नोट्स बना रहे हैं, अगर आपका आंसर राइट नहीं आ रहा है या फिर अगर आप तैयारी करते हुए आपको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो अगर आपका मन नहीं है कि ठीक है यार ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्यों अटेम्प्ट करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, अपने नोट्स बना सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट लिखिए लोहे की खोज, ये लिखिए नोट्स में। उसके बाद इसका राइट आंसर जो मैं आपको बताऊंगा, केवल उतना लिखना, पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, आपको ये लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स का मतलब नोट्स होता है, मतलब शॉर्ट तरीके से आप कुछ लाइनों को लिखें अपने नोट्स में और उसको जैसे ही आप पढ़े तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। भाई अगर आप नोट्स में लिखते हैं लोहे की खोज, एक पल में लिखते हैं उसका नाम, तो आप समझ जाएंगे ना कि लोहे की खोज मतलब इस स्थान पर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। राइट आंसर इसका जो है वो है फर्स्ट, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर फाइव, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है?
मतलब माता की देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो अस्थि की बनी थी, हड्डियों की बनी थी, बोन्स की बनी थी। तो ये मूर्ति हमें यूपी के किस जगह से मिली है, उस जगह का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए बी सी डी में से क्या होगा, अगेन हमको फाइंड करना है। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है थर्ड, लोहदा नाला क्षेत्र। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको हो सके तो अभी तुरंत आप याद कर लीजिएगा, हैंड टू हैंड याद करिए कुछ क्वेश्चंस को आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, 3-4 बार आप बोल के देखिए, आपको ये आंसर याद हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। बेलन नदी घाटी जो यूपी में रहते हैं उसको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, उन सभी बच्चों को इस बेलन नदी घाटी का जो इतिहास है इसके बारे में अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो इसके लिए आप डेडिकेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च मारिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो किसी बुक में से आप इसकी घाटी के बारे में जरूर रीड करें, क्योंकि इसकी जो महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। बाकी इस चैनल के माध्यम से मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मैं कर सकूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी अगेन 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी नहीं है, 1 2 3 4 है। ठीक है, 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर जी आर शर्मा। शर्मा जी ने क्या करी, बेलन नदी घाटे की खुदाई करी। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे कुछ पढ़ चुके हैं, काफी हद तक यूपी की जीके पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी शर्मा है और यहाँ पर भी शर्मा है। ठीक है, अब दोनों में कंफ्यूजन रहेगी तो आप डायरेक्ट याद करिए, एक प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर जी आर शर्मा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है हमसे कि कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल की बात बात कर रहा है हमसे कि यूपी में कौन सा है, तो 1 2 3 4 4 ऑप्शंस अगेन देगा। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है 2। 7 का जो राइट आंसर है वो है कोल्डी हवा। क्वेश्चन नंबर 8, साक्ष्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ए बी सी और डी, चारों ही इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, इन सभी स्थान से क्या हुए हैं, नवपाषाण कालीन काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा 4। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4, इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली या उपरोक्त सभी। तो 9 का राइट आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आपके सामने उपरोक्त सभी लिखा हो ना, अगर वो कहता है कि ठीक है सभी राइट आंसर हैं इसके, तो और आपको डाउट हो रहा हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में आप 4 ऑप्शन ही चूज करके आना। ठीक है, अगर आपको 2 में डाउट है कि फर्स्ट और 2 में से कौन सा सही आंसर होगा, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको 4ों में डाउट हो और 4ों में से किसी भी ऑप्शन में भी उपयुक्त सभी ना लिखा हो, ठीक है, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करके मत आना। 4 में आप तुक्के नहीं लगा सकते, 2 में आप तुक्के मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर है। आलमगीरपुर के बारे में बात कर रहा है कि ये कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, मेरठ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान पर मिला है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन। 11 का राइट आंसर क्या है, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। महाजनपद पूछ रहा है हमसे कौन सा है जो नहीं था उत्तर प्रदेश में। लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है, तो फिर भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा महाजनपद यूपी में नहीं पाया गया, अगर आपसे ये बोले तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोल रहा है महाजनपद नहीं था कौन से स्थान पर, तो सुरसेन, कौशल, काशी और अंग,
इसका राइट आंसर है 4, अंग महाजनपद जो था उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4, अंग। बच्चों मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में यूपी के पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रेड डी का एग्जाम हो, ग्रेड सी का एग्जाम हो, या फिर यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्यों ना हो। जो भी यूपी पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और उसको पेन डाउन राइट डाउन जरूर लिखेंगे उन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बात कर रहा है कि चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इलाहाबाद, बांदा, बदायूं या बलरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है इसका 2, बांदा। क्वेश्चन नंबर 14, मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, बात कर रहा है हमसे मल महाजनपद यूपी में कौन से जनपद में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हैं इसने। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में पाए गए हैं या भूभाग में स्थित है। टोटल हमारे महाजनपद पहले कितने थे, 16 थे। 16 में से कितने महाजनपद यूपी स्टेट में शामिल हैं अभी भी वर्तमान में, एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब 5 7 8 6 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 8, 8। ये क्वेश्चंस यूपी के मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। केवल यही नहीं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट अब इसको याद रखिएगा, 16 में से क्या है, 8, 16 का आधा क्या होता है, 8। तो हाफ महाजनपद जो है यूपी स्टेट के भूभाग पर स्थित है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, कपिलवस्तु की बात कर रहा है, कहां पर है वो यूपी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, इनमें से क्या होगा, इनमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा 4, मतलब सिद्धार्थ नगर। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की, ऋषि पतन या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम नया नाम क्या है इसका। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। ये यूडीए 2002 में पूछा गया था, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में डेट हम लोगों ने फिल कर रखा है, फिर इसमें दे कर रखा है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है सभी पूछे गए हैं। तो प्लीज किसी को भी स्किप मत करना आप, ठीक है, याद करने से चूकना मत, कंजूसी मत करना, अदरवाइज अगर आप पढ़ने में कंजूसी करते हैं तो शायद एग्जामिनर आप कि जब कॉपी चेक करेगा या कंप्यूटराइज आपकी जब कॉपी चेक होगी तो शायद कंप्यूटर भी कंजूसी बरतेगा आपको नंबर देने में। तो इसलिए प्लीज सीरियस होकर पढ़िए, टाइम बहुत कम है हर एक एग्जाम का आपके लिए, टाइम बहुत जल्दी फिसल जाता है हाथ से, पता भी नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालन कहाँ पे हुआ था, किस राज्य को इसका दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह 3, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, 1 2 3 4, वाराणसी, मथुरा, सरस्वती या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर है 2, मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे, गणराज्य पूछ रहा है कितने थे उत्तर प्रदेश में, बुद्ध काल के समय की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, 4 7 8 10। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है 2 7। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, कि उत्तर वैदिक कालीन किस मृद्भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, 1 2 3 4, ऑप्शंस अगेन हमारे सामने हैं, वीडियो को पॉज करिए, अपना राइट आंसर निकालिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1, लाल मृद्भांड। क्वेश्चन नंबर 22, पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। 22 का जो राइट आंसर है हमको इन 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा या बदायूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, टोपरा
जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य किस जनपद में स्थित था? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे उनको, ठीक है, जिसका नाम था टोपरा, वो हमें किस जनपद से प्राप्त हुआ था या किस जनपद में स्थित था उसका नाम बताइए। बरेली, इटावा, बागपत या सहारनपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, सहारनपुर। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में। तो लखनऊ, सारनाथ, प्रयाग या मेरठ, हमको 4 ऑप्शंस इसने यहाँ पर दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ। 2-2, सारनाथ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। देखिए राजकीय चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, सिंह की आकृति होती है, ठीक है, इसमें कितने सिंह होते हैं, कितने शेर होते हैं, टोटल होते हैं 4। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है टोटल शेरों की संख्या कितनी होती है हमारे राजकीय चिन्ह में, तो राजकीय चिन्ह में टोटल सिंह की संख्या होती है 4। ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर बैठे होते हैं, ठीक है। और नीचे वाली पट्टी पर भारत का एक ध्येय वाक्य होता है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, वो लिखा होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। वैसे कमेंट्स लोगों के काफी कम आते हैं अगर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताना चाहूंगा। इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, जो बच्चे फ्रेशर हैं, नई नई तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषेध से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। ये राजकीय जो हमारा चिन्ह है उसके नीचे होता है, और टोटल सिंह कितने होते हैं, 4, एक दूसरे की पीठ करके वो लोग बैठे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है, मथुरा, आगरा, मिर्जापुर या फिर रेणुकूट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, मथुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। की अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख के बारे में बात कर रहा है कि वो किस वंश के शासक ने लिखवाया था। तो इस पूरे को आप, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका होगा 3rd, सुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 27 की भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो ये बात कर रहा है उनकी डेथ की, कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में भगवान बुद्ध के बारे में बात कर रहा है, प्लीज इसको ध्यान देना थोड़ा सा। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर या फिर गौतम नगर, या जीबी नगर बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुशीनगर, ठीक है। भगवान बुद्ध के अंदर कोई मोह माया नहीं थी। अगर उनके अंदर कोई मोह माया नहीं होगी तो उनकी जो डेथ होती है, अगर कोई इंसान होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, मोह माया किसी चीज को लेकर के नहीं है, अगर उसकी डेथ हो भी जाती है तो वो क्या होता है, खुशी खुशी क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यमराज उसके पास में आता है तो खुशी खुशी वो, खुशी 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 बोल रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन क्या, खुशी खुशी से ये याद करिए, खुशी, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको डॉट को कनेक्ट करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट उनके स्थान के नाम अगर हमको याद नहीं हो पाते तो इस तरह से आप अपने निमोनिक बनाइए और उसको याद करिए। भगवान बुद्ध खुशी खुशी मृत्यु को उन्होंने प्राप्त कर लिया, यमराज उनको लेने आया तो वो खुशी खुशी उसके साथ क्या हो गए, चल दिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बात कर रहा है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? आगरा, काशी, लखनऊ या फिर मथुरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मथुरा। 4-4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशासित काव्य कहाँ अवस्थित है? काशी, प्रयाग, अवध या फिर आगरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 30, 30 इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30, स्कंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? काशी, गोरखपुर, गाजीपुर या फिर इलाहाबाद?
तो इसका राइट आंसर जो है वो है थर्ड, गाजीपुर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है? बस नहीं है, ये बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 30 तक अगर आपने ढंग से क्वेश्चन सुने और सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी स्टेट की, उनको ये वीडियो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना प्लीज मत भूलिएगा। 30 में से आपके कितने राइट आंसर थे, ठीक है? भेजिएगा जरूर जरूर, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।